अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ एक और नई प्रोडक्ट के साथ जिसका नाम है मेडिमैक्स लोशन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिस भाई ने हमारे चैनल अनीस फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल अनीस फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करे ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उस तक पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं अपनी मेडिमैक्स लोशन के बारे में कि मेडिमैक्स लोशन किस लिए इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों, मेडिमैक्स लोशन बेसिकली एलर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप धूप पर जाते हैं, आपको एलर्जी हो जाती है, या कोई आप काम वगैरह करते हैं, या आपको कोई मतलब कि कोई चीज़ काट जाती है और आपको एलर्जी हो जाती है, तो उस सूरत में आप मेडिमैक्स लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसकी हम बात करें कि इसको कौन कौन से बंदे या किस किस उम्र के आदमी या औरतें इस्तेमाल, इसको सारे उम्र ओल्ड एज भी यूज़ कर सकते हैं। और मतलब कि छोटे बच्चे तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, मतलब कि ओवर 18 इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, एलर्जी के लिए तो बेस्ट बेस्ट है। और सूथिंग, मतलब जो आपको ख़ारिश होती है उसके लिए भी बहुत अच्छी है। इंसेक्ट बाइट, जैसे आपको कोई कीड़े वगैरह काट जाते हैं या कोई भी इंसेक्ट आपको काट जाती है, तो उससे आपको एलर्जी रहती है, आपकी स्किन रेडनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें मैथानोल पाया जाता है, फिनोल पाया जाता है, जिंक ऑक्साइड, रोज़ वाटर और एलोवेरा। एलोवेरा का तो आपको पता है, एलोवेरा भी पाया जाता है इसमें, रोज़ वाटर फूलों का पानी पाया जाता है इसमें, फिनोल पाया जाता है और मैथानोल पाया जाता है। ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। और अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें कि ये इस्तेमाल किस तरह होता है, तो आपने इसको आंखों के ऊपर नहीं लगाना, आंखों से आपने इसको बचा के रखना है। और आपने जहाँ जिस जगह पे आपको एलर्जी हो, तो आपने उस जगह पे मेडिमैक्स लोशन का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी स्किन रेड है या फिर आपको दाने हो गए हैं छोटे छोटे और वो ख़ारिश कर करके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एलर्जी हो गई है, तो उस सूरत में आप मेडिमैक्स लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी कंपनी की बात करें कि ये किस कंपनी से आती है, तो ये मैक्सीटेक कंपनी से आती है। और अगर हम इसकी कीमत की बात करें, तो ये तकरीबन हमें 1100-1200 रुपये में मिल जाती है, बआसानी मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी मेडिमैक्स लोशन के बारे में वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।